आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में ग्राम लोहरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आजमगढ़ की तरफ से आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक ऑटो रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो रिक्शा अतरौलिया से लोहरा की तरफ 8 सवारियों को ले जा रहा था। वह जैसे ही तेजापुर की तरफ मुड़ा कि आजमगढ़ से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस के अनियंत्रित होने से उसकी चपेट में आ गया। इस दौरान ऑटो पलट गया, वहीं चालक बस लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में सभी ऑटो सवार लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पीआरबी 1055 के हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद ने घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अतरौलिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज हो रहा है। यहां डॉक्टरों द्वारा रंजीत निषाद पुत्र दयाराम, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।